हिंदुस्तान की और एशिया की यंगेस्ट वेट लिफ्टर। ये क्या था? एल्बो साहब, अरे एल्बो साहब क्यों? ऊपर से इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। अच्छे से देखना प्रॉपरली। छोड़ेगी नहीं मेरे को आज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आ चुका हूँ ऑल द वे टू चंडीगढ़ आप सभी को मिलवाने हमारी वीडियो की स्पेशल गेस्ट से। एंड गेस्ट ये हैं हिंदुस्तान की और एशिया की यंगेस्ट वेट लिफ्टर। गोस्वामी, मैं 9 इयर्स की हूँ और मेरा बॉडी वेट है 25 kg। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। कैसी हो अर्शिया? ठीक हूँ, आप कैसे हो? सबने सोचा पता नहीं कौन आएगा। अर्शिया ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, अब कितने और बनाओगी? बहुत सारे और बनाएगी, अभी तो इज जस्ट स्टार्टिंग। मैंने सच में वेट लिफ्टिंग कभी नहीं की और मैं अर्शिया से आज वेट लिफ्टिंग सीखूंगा। तो अर्शिया कितने मूव्स होते हैं वेट लिफ्टिंग के? वेट लिफ्टिंग के स्नैच होता है और क्लीन एंड जर्क होता है, जो कि 2 होते हैं। बट मैं तुमसे कंपटीशन भी करना चाहूंगा। हाँ जी, मजा आएगा, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अर्शिया को तो मजा आएगा, मेरा नहीं पता। आप डेमोस्ट्रेट करो, मैं सीखता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है? जब हम क्लीन करेंगे, हाँ, तब हमने हुक ग्रिप पकड़ लिया ताकि हमारी ग्रिप टाइट हो पाए। हुक मींस ये थंब के अंदर, पहले थंब रखना है बार-बार, फिर फिंगर्स करते हैं। ओह, गॉट इट। और यहाँ पर, हाँ, नी बेंड। ओके, मुझे कहाँ रखनी है, अबव द नी या बिलो द नी? तो आपको यहाँ बिलो द नी यहाँ पर आता है, क्योंकि जब वेट्स आते हैं तब बिलो द नी। ठीक है, डन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमको हाई पुल लेना है, ये 1 2 पूरा पास से लेकर जाना है, दूर नहीं लेकर जाना। जितना दूर लेकर जाओगे, हाँ, उतना मुश्किल होएगा। ओके, जितना पास लेकर जाओगे उतना इजी होएगा। फिर हमने जर्क करना है, हाँ, जैसे हम पुश प्रेस करते हैं वैसे ही हमने पूरा नीचे जाना है। एक्सटेंशन पूरा नीचे, कितना नीचे? 90 डिग्री नहीं, सॉरी, यहाँ तक। ठीक है, जर्क मारनी, फुल एक्सटेंशन जाना है। हील्स अप करनी है और उसके बाद ये यहाँ से, हाँ, बैक एंगेज, हाँ, नाउ हिप्स डाउन, चलो क्लीन ऐसे नहीं, हाँ चलो। ये सबसे पहले हमने यहाँ से किया, ठीक है, ये पुल और पुल किया और ये क्लीन। ओके, डन। जंप भी देनी है ना आपको साइड, ठीक है, डन। पहली बार कर रहा हूँ भाई, तो हंसना नहीं है किसी को भी। चलो बैलेंस ही नहीं हो रहा मेरा तो। ये क्या था? मतलब अगर आप एक पैर में वेट करोगे तो आगे भागोगे, तो यानी दो आपके पैर भी बाहर होने चाहिए थोड़े। अगर आप यहाँ पर रखोगे अपने पैर तो अनबैलेंस होएगा। अच्छा, ऐसे अगर आप बाहर रखोगे और दोनों पैरों में वेट रखोगे तो फिर वो ठीक रहेगा। तो हम थोड़ा वेट से ट्राई करें, कितना वेट डाल रहे हम? 15। अच्छा, लॉक देना। तो हमने थोड़ा वेट ऐड कर दिया। अर्शिया, अब आप मुझे करके दिखाओ। पहले हमने क्लीन करना है, फुल एक्सटेंशन के साथ, पुल के साथ, हाँ, फिर जर्क, ताकि हमारी बॉडी स्टेबल रहे। फिर मास्क चलेंगे आपको। अच्छा, इतना बेटर किया आपने, ठीक है, डन। चलो फिर था, पर अब जर्क, ठीक है, ये पैर आपका सीधा होना चाहिए। ओके, और इसको ऊपर। अच्छा, हाँ, और पैर वाइड, और वाइड वाइड मतलब ये। अच्छा, हाँ, ओके, गॉट इट। जल्दी उतरवा सो। अरे करो ना थोड़ा सा। क्या करना है? आगे वाला पैर पीछे करो।
और पिछले वाला पैर आगे करो। ओह आपको मार्क्स मिलते हैं 6। मेरे को अगर 4 भी मिल जाते ना आई विल बी मोर देन हैप्पी। एज मैंने बोला था मुझे आपसे कंपटीशन भी करना है क्योंकि अर्शिया का बॉडी वेट है 25 केजी, मेरा 85 केजी है। तो इसने वेइंग स्केल पे देख लिया था मेरा यार वेट। मैंने सोचा मैं 2 किलो बचा लेता हूँ अर्शिया। चलो कोई बात नहीं, मेरा 87 है, अर्शिया का 25 है, तो फेयर रखते हैं। तो हम रख रहे हैं 2 राउंड रख रहे हैं। एक में अर्शिया अपने हाफ द बॉडी वेट उठाएगी, सेकेंड सेट में अर्शिया अपने बॉडी वेट जितना उठाएगी, बट सेम टाइम फिर मुझे भी अपने बॉडी वेट जितना उठाना पड़ेगा, यानी मुझे 85 किलो की क्लीन एंड जर्क करनी पड़ेगी, तब ये फेयर रहेगा। तो अर्शिया अपने बॉडी वेट का हाफ करेगी, बट अर्शिया ये कितना था? 15 केजी। उसका वॉर्मअप भी 15 किलो था क्योंकि उसका बॉडी वेट का हाफ 12.5 बैठ रहा है, तो तुम तो इससे ज़्यादा करोगे अर्शिया। कितना? 20 केजी। वो पहली 75 पे चली गई अपने बॉडी वेट की, 75 से भी ज़्यादा। चलो डालो फिर। चलो नाइस, वेरी गुड। मेरा 87 बोला है ना तुमने, तो 87 का 45। नाउ आई डू, वेट हो गया 15 से 50 किलो हो गया। मैंने बोला था टेक्निक का नहीं पता, बट वेट ऊपर पहुंच जाएगा। आगे वाले पैर को पीछे करो, अगले वाले पैर को कहां लेके जाना है? पीछे पीछे, जल्दी बता दो। पीछे हां नाउ, और आगे वाले अरे पीछे वाले पैर को आगे करो। हां और अब फेंक दो। पर मैं मार्क्स दूंगी ना अभी। कितने मार्क्स? 8। देखो 6 से मैं 8 पे पहुंच गया हूं। देखते हैं अर्शिया, अब तुम अपना बॉडी वेट उठाओगी? हां 25। बट आई एम वेरी सरप्राइज कि ये सुबह उठ के प्रैक्टिस करती है, शाम को भी प्रैक्टिस करती है, स्कूल लेट चली जाती है, सो दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। बट तुम इतना सब कुछ क्यों? वाई? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे वेट लिफ्टिंग करना। सो अर्शिया अब ये तुम्हारा बॉडी वेट हो गया, चलो लेट्स डू इट, कम ऑन। मुझे पता तुम आराम से कर लोगी। अमेजिंग, कम ऑन, वेरी नाइस। अब कितना करना है? अरे मैं अपने बॉडी वेट तक तो पहुंच जाऊं पहले। पहुंच जाता थे? नहीं अभी तो मैंने हाफ किया है, अभी मेरा होगा 87। यस 87 केजी लिफ्ट करूंगा मैं। अरे 90 करोगे? नहीं अच्छा ठीक है 90 करूंगा। चलो 90 के बाद आप 100 में जाओगे। कम ऑन कम ऑन अर्शिया, ये देख तो लो। पाउडर पाउडर भैया पाउडर ही लाए ऐसे। अरे डू इट नहीं, ये यहीं से नहीं हिल रहा मुझसे। चलो आई ट्राई। नहीं अच्छा, इट्स टू हैवी फॉर मी, बट आई थिंक 10 आफ्टर 0। बट एटलीस्ट मेरे को प्रैक्टिस का तो कुछ मिलना चाहिए ना, 0 तो बहुत कम हो गया। मुझे 0 मत दो, बट मैं आगे नहीं बढ़ रहा वीडियो में, मुझे कुछ तो, मैं इतना दूर आया हूँ प्रैक्टिस करी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, 0 के लिए थोड़ी। 5 दे दो। 1 नहीं नहीं 1 काम है, 5 0 ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा 2 नहीं 5 प्लीज 0 ओके और 5 प्लीज। अगर आप ठीक करते तो बोले तो। मैंने ठीक किया, बट मैं कंपटीशन ही तो हारा हूँ। तो मेरे को भी तो छोटे होते 0 ही मिलता था। अब कितने मिलते हैं तुम्हें? बहुत ज्यादा। 5 दे दो, चलो ओके करते हैं, डन। ठीक है 5 10 में से 5 नंबर। चल तो अर्शिया अगला क्या करेंगे हम? अगला हम मूवमेंट करेंगे स्नैच। ठीक है तो स्नैच का कंपटीशन करेंगे, बट कंपटीशन से पहले आपको मुझे सिखाना भी पड़ेगा स्नैच करते कैसे हैं। सिखाऊंगी। सिखाओगे ना? सही से सिखाना मेरे को, जीतना है तो। आप पहले मुझे करके दिखाओ करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लीन एंड जर्क में किया था, जैसे हमने क्लीन किया था, बस सेम वैसे ही होता है। हमने सिर्फ ग्रिप वाइप करनी है। ओके हुक ग्रिप पकड़नी है। ओके
और स्टांस वही रहेगा। हिट भी ये सेम है और सीधा ऊपर लिख सकते। ये है पावर और ये है सिटिंग। मतलब आप ये बोल रहे हो सीधा वेट ऊपर जाएगा? हाँ। बीच में रुकेगा नहीं? नहीं, हिट के साथ। हिट नहीं लिया आपने? हिट मतलब? हिट मतलब पुल। अच्छा, चलो जल्दी। पहले खड़े भी तो होने, यहाँ से यहाँ ऐसे थोड़ी ना। थोड़ा लाइटर वेट, लाइटर वेट से। ठीक है डन। तो पहले हम करेंगे 15 केजी। आप कितना कर रहे हो? मैं 15 लूंगी पहले। थोड़ा लाइट कर लो क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा फेवरेट फूड क्या है आपका? एग्स, चिकन। एग्स और चिकन। मटन, मटन। पनीर, पनीर। दही, दही। मलाई, मलाई। मक्खन, मक्खन। चटनी, चटनी। और दाल। हाँ दाल। आशा का प्रिपरेशन है 15 केजी। चलो मुझे थोड़ा देखने देना। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। चलो अल्ट्रा, मेरा भी ये प्रिपरेशन होगा बट को समझ में ही नहीं आया। नहीं मेरे को एक्चुअली तुमने इतना जल्दी कर लिया, मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या। जल्दी कंपटीशन में भी 30 सेकंड का ही टाइम मिलता है। अच्छा, एक तो इतने छोटे बच्चे से कभी कंपटीशन नहीं हुआ, ऊपर से इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। 15 किलो उठ नहीं पा रहा मुझसे। ठीक है, ये आसान है मेरे लिए, ये करूंगा। ये भी ओवरहेड स्क्वाट है, ये भी मुश्किल होता है जब हैवी हो जाता है। जब हैवी हो जाता है तो अभी मेरे को करना टड़ गई थी। अब नहीं नहीं, कंपटीशन थोड़ा वैसा रखो ना, मुझ पे रहम करो थोड़ा। नहीं, दो राउंड है ना तो टड़ गई थी तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा, बट मैं फिर देखो तुम अपना बॉडी वेट तो कर लोगी, मैं 90 कैसे लिफ्ट करूंगा? तो आप 30 केजी का स्नैच कर लेना, पर मार्क्स कम मिलेंगे बस। ठीक ना, कितना कर रहे हो तुम? 20 केजी, अभी मेरा 25 है ना बॉडी वेट। बट अर्शिया, जैसे आपने मुझे बताया कि आप 4-5 इयर्स की एज से ये कर रही हो, बट आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती थी और इंस्टाग्राम पे देखती थी कि बाकी सारे लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि मेरा भाई चनू जेरेमी। अच्छे से देखना प्रॉपरली। चलो कम ऑन, नाइस नाइस। तो अर्शिया ने मुझ पे मेहर कर दी है। अर्शिया ने बोली तुम मेरे जितने You can do it. 30 सेकंड तो मेरे बीच भी गए होंगे अब तक। अरे चलो ना, बातें नहीं करनी। अच्छा ठीक है, चलो कम ऑन। ठीक है, ठीक ठीक है। कितने मार्क्स? 10 में से 8 मार्क्स। वहां पे बोल दो प्लीज कैमरा पे। 10 में से 8 मार्क्स। मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो अर्शिया का ये मतलब वो क्योंकि ऑलरेडी अपने बॉडी वेट पे जा चुकी है और मैं अभी बॉडी वेट पे नहीं गया। बॉडी वेट पे नहीं अर्शिया, मैं तुम्हारे बॉडी वेट पे भी नहीं गया हूँ अभी, तो उसका लास्ट अटेम्प्ट है। बट अर्शिया तुमने ने मुझ पे मेहर करी है, दो चांसेस मुझे अभी और मिलेंगे। लेट्स डू इट, कीप इट अप, नाइस। चलो अब कर, 40 करना है ना। अच्छा अच्छा, ये मेरे को ऐसे क्यों लगता है तुम्हारा कुछ एफर्ट नहीं लगा? वो वाली चाहिए ना। अच्छा पहले मेरे को बता, बता मुझे ऐसे क्यों लगता है तुम्हारा कुछ एफर्ट लगा ही नहीं? नहीं लगा। बहुत इजी था। आपके दो राउंड रह गए हैं। अच्छा, पहले है 40, उसके बाद में बॉडी वेट पे जाऊंगा। हाँ, बाद में नहीं, 90 केजी का तो क्लीन ले के नहीं लगा सकते, तो 50 केजी करना पड़ेगा। ठीक है, स्नैच के लिए ना, छोड़ेगी नहीं मेरे को आज। बॉडी वेट से आधा तो मार दिया। आधा कितने नंबर? 9 में से 10। 10 में से 9। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और अभी भी मैं बॉडी वेट के क्लोज नहीं पहुंचा हूँ।
तो अब तुम 70 केजी दे दिया तुमने मेरे को बेटा। हाँ ट्राई कहाँ बच्चों में मजाक बनवाने आ गया हूँ आज मैं। अब घर पे सॉरी जिम में रोज ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कॉम्पिटिशन करूंगा फिर मैं आपको हराऊंगा ठीक है। बट मेरे को 10 में से कुछ 2 नंबर तो दे दो यार। नहीं दे सकती, आपने तभी भी रिक्वेस्ट की थी, इस बार अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तभी भी नहीं दूंगी। कोई बात नहीं। तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा मैं हार गया, बट मुझे आज हार के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 9 साल के बच्चे इतना इंस्पायर कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच मुझे हराने के लिए, थैंक यू। बट अर्शिया एक बात बताओ, तुम्हारे साथ यहाँ जिम पे और कौन कौन ट्रेन करता है? एक आर्यवीर। हाँ जी। और भी है पर वो आर्यवीर। कोई बात नहीं। आर्यवीर आपकी एज कितनी है? 6.5। क्या बोलूँ इसके बाद है नहीं कुछ बोलने के लिए। 6.5 साल के हो तुम? और 9.5। दिस इज फॉर यू। सो मैं अर्शय के लिए कुछ और भी लेके आया था। सो दिस आर अप्रिसिएशन जो मैंने खुद के हाथ से लिखा है, बट ये पहले मैं अर्शय को दूँ। मैं आप सभी लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे वेट लिफ्टिंग एक्चुअली में सीखनी थी तो मैं सीखने के लिए कहीं भी जा सकता था, बट मुझे लगा मुझे स्टार्ट करना चाहिए अर्शय से। और मेरे लिए ये पहली बार था, बॉडी बिल्डिंग में चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन रह चुका हूँ। आज अर्शिया से हारने के बाद जो खुशी हुई उसका एहसास मैं आप सभी लोगों को बता नहीं सकता। बट अर्शिया से मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। अर्शिया मुझे बताओ तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगी। वेरी गुड। और बस सो देखा उसने एक लाइन में अपनी बात कह दी और वो बड़ी क्लियर थी कि उसको करना क्या है। एंड थैंक यू सो मच अर्शिया, आपने हमें टाइम दिया एंड इस वीडियो के माध्यम से आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और हमारी तरफ से गॉड ब्लेस यू। और हमारी 50 लाख की ऑडियंस है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप अर्शिया के लिए प्लीज़ नीचे एक कमेंट ज़रूर करना, तब दिखेगा हमारी फैमिली की कितनी पावर है। आप सभी लोग एक गॉड ब्लेस यू का कमेंट अर्शिया के लिए ज़रूर करना ठीक है। अर्शिया मैं करूँगा तुम्हारे लिए 1000 कमेंट ठीक है। एंड दिस इज जस्ट अ टोकन ऑफ लव जो मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो कल तुम जब ओलंपिक में चैंपियन बन जाओगी तब मुझे मत भूलना, तो मैंने इसलिए डेट भी लिखी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। और आज मेरे वेट लिफ्टिंग के गुर देख के ना हंसना मत मुझ पर, बट इसी तरह वीडियोज़ को प्यार देते रहो, चैनल को प्यार देते रहो, हम आपके समक्ष अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बना के लेके आते रहेंगे। Thank you so much.